नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ जब कोर्ट में चार्जशीट दर्ज हो गई और उस चार्जशीट में ये पता लग गया कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ये दोनों भाई बहन सुशांत सिंह राजपूत के घर में सुशांत के जो नौकर थे दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, इन सारे लोगों के साथ मिलके सुशांत को ड्रग्स देते थे और ड्रग्स का व्यापार करते थे, ये सुनने के बाद अभी खलबली मच गई है। और जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत को सुइसाइड बोलते थे, जो लोग रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह बोलते थे, वो लोग अभी घुटने टेक रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनसे भूल हो गई। उद्धव ठाकरे के पार्टी शिवसेना के लोग अभी आके बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस से हुई है बहुत बड़ी चूक, सुशांत और सुशांत के फैमिली से भी माफी मांग रहे हैं। पूरी जो घटना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। बात है शिवसेना के नेता संजय गुप्ता के बारे में, जिन्होंने आज आके ये कबूल किया है कि उनके पार्टी से और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अभी पता चल गया है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती दोनों सुशांत को ड्रग्स देते थे और सुशांत सिंह राजपूत के मौत में इन सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो अभी आके ये बोल रहे हैं कि उनको शर्मिंदगी है कि एक वक्त पे वो सुशांत के मौत को सुइसाइड बोल रहे थे और उन्होंने ये भी बोला है कि मुंबई पुलिस से एक बहुत बड़ी भूल हुई है। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, जो जांच की है, वो गलत है और संजय गुप्ता माफी भी मांग रहे हैं सुशांत की फैमिली से और सुशांत की दीदी प्रियंका सिंह से। उन्होंने आज साफ साफ ये बोला है कि उनसे और उनके पार्टी से बहुत बड़ी भूल हो गई है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आया था कि सुशांत को ऐसे ड्रग्स दे के मारा गया था और रिया चक्रवर्ती, जिनको शिवसेना की पार्टी सपोर्ट कर रही थी, वही रिया चक्रवर्ती अब जेल जाने वाली है। तो अभी आवाम के साथ जाने के लिए, जो हवा है उसके साथ बहने के लिए संजय गुप्ता ने अपनी पार्टी बदल ली और वो अभी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में उतर आए हैं क्योंकि इनको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन, मनसुख हिरेन, इन सारे लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसी कारण शिवसेना की हार हुई, क्योंकि लोग शिवसेना से नाखुश है इसीलिए शिवसेना पे थूक रही है और शिवसेना की जो पार्टी है उद्धव सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। और अभी महाराष्ट्र के जो सीएम है वो भी चेंज हो चुके हैं, डिप्टी सीएम भी चेंज हो चुके हैं, तो शिवसेना की एक बहुत बड़ी हार हुई है। अभी और मामला खराब ना हो इसीलिए संजय गुप्ता जैसे लोग निकल के आए हैं और अभी सुशांत के सपोर्ट में बात कर रहे हैं और रिया और उनके भाई शौविक के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ताई और ताई के भाई को जो सपोर्ट मिली थी शिवसेना से वो भी अब नहीं रही और अभी उन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है सुशांत के करोड़ों फैंस और उनके फैमिली के लिए और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द सुशांत के जो कातिल है उन्हें सजा मिलेगी और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन को न्याय मिलेगी। आपको इस पूरे मसले के बारे में क्या कहना है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।